देश की मिट्टी को छू भी नहीं पाएगा। इंडियन आर्मी तेरा नाम और निशान मिटा देगी। आई एग्री मेजर। इसके बावजूद अगर इंडिया चाइना में जंग होती है तो इसमें ना कोई जीतेगा और ना ही कोई हारेगा, क्योंकि इस जंग के बाद हम तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अपनी आर्मी स्ट्रांग करने के लिए हर देश अपने लोगों को भूखा रखता है। जिन पैसों से राशन खरीदना होता है उनसे वो हथियार खरीदते हैं, और इसलिए आज हमारी आर्मी दुनिया में सबसे स्ट्रांग है, और इस दुनिया को रूल करने के लिए सिर्फ हम ही काबिल हैं। अब जो जंग हमारे तुम्हारे बीच होगी वो आम हथियारों से नहीं होगी, वो इकोनॉमिक वॉर होगी। टुडे जर्मन, फ्रांस और क्यूबा एक साथ मिलकर एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और हेल्थ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, लेकिन उस एग्रीमेंट में उनके सिर्फ सिग्नेचर्स ही होंगे, बाकी सब हम संभालेंगे। पैदा होने वाले बच्चे से लेकर मरने वाले इंसान को हमारे प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी। उसके बिना ना कोई जी सकेगा और ना ही कोई मर सकेगा। इस दुनिया में अगर कोई सुई भी खरीदेगा तो प्रॉफिट हमारा होगा, तुम लॉस में जाओगे, तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि दुनिया के लोग भारत को भूल जाएंगे। और ये है ऑपरेशन ईसी, आई मीन इकोनॉमिक वॉर। हमारा देश तुम्हारे देश से कई गुना आगे बढ़ चुका है। इंडिया में छोटी सी चीज भी हिलानी हो तो उसके लिए रिश्वत चाहिए होती है, पर अगर हमें रिश्वत दोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारे देश के नेता पब्लिक की आंखों में धूल झोंकते हैं और तुम्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। दैट इज इंडिया। तुम्हारा देश आजाद है लेकिन तुम वहां के गुलाम हो। अगर मीडिया नहीं होता तो तुम्हारा देश कब का बिक चुका होता और सारे नेता विदेश चले गए होते। फ्री एजुकेशन से कोई होशियार नहीं होता, ना ही फ्री मेडिकल से कोई हेल्दी होता है, जबकि तुम्हारी गवर्नमेंट ने इन दो डिपार्टमेंट्स को प्राइवेट करके तुम्हें पंगू बना दिया। तुम्हें जो चीज फ्री मिलनी चाहिए थी उन्हें छोड़कर सब चीज फ्री बांट रही है तुम्हारी गवर्नमेंट। 150 करोड़ जनसंख्या वाले तुम्हारे देश में सिर्फ 10 लाख लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, और वो भी जो पावर में है या पॉलिटिशियंस हैं। क्यों दिमाग खराब हो गया सुनके? पर यही सच्चाई है मेजर। ये जितने भी आंकड़े तुमने सुने इन पर तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते। तुमने मेरे बेटे को 1 सेकंड में मार दिया, लेकिन अगले 15 मिनट तक हर 1 सेकंड तुम तड़प तड़प कर मरोगे। अभी जो मैंने तुम पे शूट किया वो है इलेक्ट्रोकेमिकल लिक्विड बॉम्ब। जिस जापानीज सोल्जर को मैंने मारा था उसका वीडियो तो तुमने देखा ही था ना, तुम भी वैसे ही मरोगे। यू हैव ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट, उसके बाद तुम ब्लास्ट हो जाओगे। एंड दिस इज द बॉम्ब प्रूफ रूम। और तुम्हारे ब्लास्ट होने के अगले ही सेकेंड ये रूम इस सबमरीन से अलग हो जाएगा।